एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जितनी एक्साइटमेंट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च होने की थी, उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट इसके लॉन्च होने के बाद हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनाउंस किया गया था, तब लग रहा था कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला के S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर देगा और उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी लॉन्च करने वाली है। लेकिन लॉन्च इवेंट में तो कुछ और ही हुआ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे के आइकन को ऑल पर भी जरूर सेट कर लेना। एथर ने आज यानी कि 11 अगस्त को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। इसका वीडियो कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया और एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। वैसे तो कंपनी सोशल मीडिया पर 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की बात कह रही थी, लेकिन लॉन्च इवेंट में पता चलता है कि एथर 450S के अलावा कंपनी अपने एथर 450X और एथर 450X प्रो पैक को ही फिर से लॉन्च कर रही है। तो इस लॉन्च इवेंट में केवल एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450S को लॉन्च किया गया है। एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X के ही सेम डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। इसमें पूरी तरह से सेम डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके जो बटन है, वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा इसकी बैटरी और मोटर परफॉर्मेंस में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज किया गया है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, या फिर यूं कहे इसके डिस्प्ले में। 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता था, वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई भी टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं दिया गया है। उसकी बजाय LED डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें नेविगेट करने के लिए साइड में एक अलग से जॉयस्टिक भी दी गई है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इसमें जो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया वो पहले वाले एथर 450X से ज्यादा ब्राइट है, जिससे कि आप धूप में भी इस डिस्प्ले को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हैंडल बार पर आने वाले बटन्स में भी काफी सारे बदलाव किए गए, सारे बटन्स को फिर से रीडिजाइन किया गया है, बटन्स की जो क्वालिटी है उसको भी चेंज किया गया है। इसके अलावा एथर के कस्टमर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक और बटन ऐड किया गया है, जो कि इसका रिवर्स या फिर पार्किंग मोड का बटन है। जी हाँ दोस्तों, पहले जहां पर रिवर्स करने के लिए शॉर्टकट बटन्स का यूज करना पड़ता, अब कंपनी ने रिवर्स के लिए एक डेडिकेटेड अलग बटन दे दिया है, जिसको प्रेस करते ही आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्किंग मोड या फिर रिवर्स मोड में चला जाएगा। इन कुछ चेंजेस के अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए, सारा का सारा डिजाइन यहाँ पे एथर 450X वाला ही देखने को मिलता है। एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फीचर्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी एक कैश है, एक प्रॉब्लम है, जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 4G कनेक्टिविटी, ट्रिप मीटर, मोबाइल फोन एप्लीकेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट एथर 450S में मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर ग्रिड को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें गाइड मी होम, ऑटो इंडिकेटर, फॉल डिटेक्टर का मतलब ये हुआ, जब भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नीचे गिरता है, बेसिकली अगर 450S 60 डिग्री से नीचे अगर झुक जाता है तो इसकी मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा कॉस्टिंग रीजन, ऑटो होल्ड, राइडिंग मोड जैसे कई फीचर्स आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले हैं। ये सब फीचर सुनकर खुश मत हो जाना कि आपको 1,30,000 रुपए में इतने सारे फीचर्स के साथ एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इन सभी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, इन सभी फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रो पैक खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरह से आप एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्ट फीचर्स को यूज करने के लिए अलग से प्रो पैक खरीदते थे, वैसे ही एथर 450S में भी आपको इन सभी स्मार्ट फीचर्स को यूज करने के लिए अलग से प्रो पैक खरीदना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 14,000 रुपए है। ये सब सुनकर आपको भी मेरी तरह डिसअपॉइंटमेंट मिल रही होगी। जैसा रिएक्शन आपका था, वैसा ही रिएक्शन मेरा था जब मुझे पता चला कि एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी स्मार्ट फीचर्स को यूज करने के लिए अलग से प्रो पैक खरीदना पड़ेगा। अब जान लेते हैं एथर 450S की परफॉर्मेंस के बारे में। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इसकी मोटर 5.4 किलोवाट की पीक पावर आउटपुट जनरेट करती है। स्कूटर की सर्टिफाइड रेंज 125 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ट्रू रेंज 90 किलोमीटर की है और इसकी टॉप स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड पकड़ने में 3.9 सेकंड का समय लगता है।
चार्जिंग की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में वैसे तो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन स्कूटर के साथ में आपको 350 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में 8 घंटा 37 मिनट का समय लगता है। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर का 450 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है, जिसको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ फिर से लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सेम मोटर का इस्तेमाल हुआ है, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है और इसमें से सारे फीचर्स भी ऑलमोस्ट हटाए दिए गए, क्योंकि आपको फीचर्स के लिए वैसे भी अलग से पे करना पड़ता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के बाद कंपनी के पास अब 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि कुछ इस प्रकार के है। पहला है 450S, जिसमें 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता है। इसकी कीमत है 1,30,000 रुपए। 450S में प्रो पैक के लिए 14,000 अलग से पे करने पड़ते हैं। दूसरा है 450X, इसमें भी 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी और इसमें गूगल मैप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसकी कीमत 1,38,000 रुपए है। प्रो पैक यानी कि स्मार्ट फीचर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा 16,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पर आ जाता है 450X 3.7 किलोवाट आवर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ गूगल मैप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,47,000 रुपए है और प्रो पैक के लिए इसमें आपको 23,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये था इत्र का 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर। कमेंट में बताने कि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे के आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखना।